नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट को स्वागत। ये दबदबा, ये हुतकम, ये नशा, ये दौलत, किराएदार है सब, घर बदलते रहते हैं। विशिष्ट कवि बेकल उत्साही को यही कविता आज हठात बने पड़गला, कारण 2024 निर्वाचन पूर्व भारतीय राजनीति एमती किसी हलचल हो पड़ी। चहला पाणी रे टेका पड़ा भली देशर राजनीति एवं सेमिति किसी घटी जाद्वारा राजनीतिक पारा जोड़ा श्रावण में भी हाई रही। सुपर संडे रे महाराष्ट्र रे जो नाटक देखा मिलला, से नाटकर संलापकार किए, कहानीकार किए, ताहा तो भिन्न कथा, किंतु पावर फैमिली रो पावर शो एवं पावर टसल राजनीतिक मोड़ को एक नुआ दिशा देछि। बीजेपी रो आंटी करप्शन स्ट्राटेजी एबे एनसीपी को करि देछि दुई फाळ, एहा सब पावर फैमिली मध्य निर्माण करिछि बड़ प्राचेरी। महाराष्ट्र महानाटक राजनीति में कहीं कहार शत्रु नुहति कि मित्र नुहति, निजस्व स्वार्थ ही एटि सबूकि। इतिहास कड़ लेउटाए आ राजनीति में यह थे कि दुई थर नुहे, बारंबार घटी थाए। शिंदे सरकार अजित पवार उपमुख्यमंत्री भाव शपथ नेबापर एवं महाराष्ट्र राजनीतिर मोड़ बदली जा। 2019 पर महाराष्ट्र में हाई भोल्टेज ड्रामा सेमिति ही जारी थिला, आउ एबे सेठारे देखिबा को मिलिछि आउ एक महानाटक पावर फैमिली पावर स्ट्रोक। बीजेपी प्रायोजित तो दादा पुत्र राजनीति को नहीं महाराष्ट्र उठुची पड़ुची। रविवार सरकार सामिल होबा परे मंगलवार कैबिनेट बैठक में जोग देथिले उपमुख्यमंत्री अजित पवार। अजित एकनाथ शिंदे सरकार में सामिल होता 8 एनसीपी विधायक कैबिनेट बैठक में उपस्थित थे। सूत्र मिलता खबर अनुजाई अजित समेत अन्य विभाग बंटन हो। अजित पवार को राजस्व और शक्ति, छगन भुजबल को ओबीसी बहुजन उन्नयन, दिल्ली वालसे पाटिल को संस्कृति, धर्मराव आत्राम को आदिवासी उन्नयन, धनंजय मुंडे को सामाजिक न्याय, आदिति तत्कारी को महिला और शिशु विकास, अनिल पाटिल को खाद्य जोगाण एवं संजय बनसोड़े को क्रीड़ा एवं युव व्यापार विभाग मिली। बहुत अच्छी मीटिंग हुई कैबिनेट की, जो एजेंडा में विषय थे वो सब पे चर्चा करके डिसीजन हो गए है। जो नए मंत्री जी शामिल हुए हैं उन सबका स्वागत हम लोग ने किया और हंसते खेलते अच्छे माहौल में कैबिनेट की मीटिंग हो गई। ये तो सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी, 2024 के इलेक्शन में भी यही सरकार आएगी। अभी डबल इंजन सरकार थी, अभी तीसरा इंजन आ गया है, ये सुपर फास्ट बुलेट ट्रेन की तरह ये सरकार चलेगी। कैबिनेट बैठक पूर्व महाराष्ट्र विधानसभा परिसर में उद्घाटित होई एनसीपी कार्यालय। एनसीपी विद्रोही नेता तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार नुआ कार्यालय उद्घाटन करी। नुआ ऑफिस को प्रथमे किछिटा अव्यवस्था देखा मिलता, बाहर और भितर ताला झुलुला, से जहां भी होषे अजित पवार एनसीपी नुआ ऑफिस को उद्घाटन करी। रविवार अजित पवार अनको सिंदे सरकार में सामिल होता बड़े सोमवार सतारा रे दलय नेता और कर्मी को नहीं एक प्रकार शक्ति प्रदर्शन करते शरद पवार। पुणे बुधवार मुंबई वाईभी चवन ऑडिटोरियम रे हेबो बैठक, सेठारे मध्य दलर समस्त नेता और कर्मी को उपस्थित रहा कहु। बुधवार ही देखा मिल दादा पुतुरा मध्य असली टल अफ वार, कारण बांद्रे समातल बैठक करने को उपमुख्यमंत्री अजित पवार, से मध्य दलर नेता और कर्मी को सेठारे आमंत्रण करिछंती। अजित पवार शिंदे सरकार में सामिल होबा परे बे शरद पवार को मास्टर स्ट्रोक को अपेक्षा, ऑक्टो जिनारियन नेता शरद पवार एबे करिबे कोन, पुणी थरे इतिहास को दोहराइबे कि शरद पवार। घरे समस्ते वामपंथी चिंताधारा रो, किंतु शरद रो चिंताधारा भिन्न ओ आपनको भली। जदि से आपनको सह जीवाकु चाहुची तबे मोर कोनोसी आपत्ति नाही, मोर एकमात्र आशा होउची जे से सर्वदा निजस्व विश्वास रे रहिबो ओ आंतरिकतार सह सेई रास्ता को अनुसरण करिबो। कौन हेबो शरद पवारंक दल ओ राजनैतिक भविष्यत, हेबो कि इतिहासर पुनरावृत्ति, पावार देबे कि मास्टर स्ट्रोक, उन्नीस 1958 मसीह 18 वर्ष बयसरे शरद पवार
पुणे कांग्रेस कार्यालय परिदर्शन कर निजकु जड़े सक्रिय दलर सदस्य भाव पंजीकृत कर समग्र परिवार आदर्शगत भाव वामपंथी पिजांस एंड वर्कर्स पार्टी बा पीडब्ल्यूपी प्रति आग्रही थे किंतु माँ पुणे स्थानीय बोर्ड को कांग्रेस टिकेट निर्वाचित होते सेपरी भाई बसंत राव 1960 मसीह लोकसभा उपनिर्वाचन में पीडब्ल्यूपी टिकेट निर्वाचन लड़ते मात्र से निर्वाचन हारी से शरद पवार कांग्रेस प्रचार कर यापर 1962 मसीह वाई भी चमन बारामतीरे पवार घर को जाई शरद राजनैतिक गुरु साजा को अनुमति मांगी यापर माँ कही घर थिबा समस्ते वामपंथी चिंताधारा किंतु शरदर चिंताधारा भिन्न और आपण जदि से आपण जावाक चाहूँगी तेज मोर कौन आपत्ति ना मोर एकम्र आशा हो सर्वदा निजर विश्वास रे आंतरिकतार सहित से रास्ता को अनुसरण करेंगे ये विषय शरद पवार निजर आत्मजीवन ऑन माय टर्म्स उल्लेख कर रविवार शिवसेना बीजेपी सरकार ने उपमुख्यमंत्री भाव शपथ नहीं अजित पवार तेज अतीतर शरद पवार एमती किसी करते जहाँ को जोरदार चर्चा हो 1978 में तत्कालीन मुख्यमंत्री बसंत दादा पाटिल विरुद्ध करते विद्रोह आ विद्रोह गोष्ठी नेतृत्व नहीं निजे होते मुख्यमंत्री एपरिकी से गुरु जसवंत राय चौहान को मध्य असम्मान करते निजर 55 वर्षर राजनैतिक क्यारिअर भितर शरद पवार सर्वदा उच्च पदर रही अनेक राजनैतिक गोटी चालना करसंदेह आम कहीपर जे बीजेपी पाखे सेलिब्रेसन करने को जथेष कारण अच्छी शरद पवार जो लिखिदेई स्पीकर पाखक आंटी डिफेक्शन लहर इन स्पीकर कौन कार्य कर 36 रु अधिका विधायक मैंने देखेबे 2/3 रु अधिक सभ्यपद जीवनी और से कौन 40 विधायक अच्छा बर्तमान से 40 विधायक ना पब्लिकली घोषणा कराऊनी 5 तारीख काली युवगोष्ठी बैठक डकाई शरद पवार बैठक डाकि अजित पवार गोष्ठी मीट डाकि बैठक स्पष्ट हो सैडे के लोक अच्छा बीजेपी पे से किसी सहयोगी दरकार बीजेपी स्थित दुर्बल होजेपी सहयोगी नपाइले निर्वाचन जीति पार कारण ये जो महागाड़ी मेट हो जीति पारे ना से मेट हिसाब से केवल सिंधे को नहीं थे से जथेष नुहे देखे से माने जो अजित पवार को नहीं पर कौन हो देखिए कितु यार भितर सब गुरुत्वपूर्ण कथ हूँ बीएमसी इलेक्शन बम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन वर्ष रु अधिक काल होनी कहीं सीटा शिवसेना गड़ भाव जदि शिवसेना भांगिगला तेल से निर्वाचन कहीं हेनी निर्वाचन हेले लोकमत कमें जानपर 2022 उद्धव ठाकरे शिवसेना दुईफल होवे बीजेपी प्रमुख भूमिका था यापर महाविकाश अघाड़ी सरकार भांगी बीजेपी और सिंधे शिवसेना सरकार महाराष्ट्र है पुणि थे महाराष्ट्र राजनीति में देखाई अस्थिरता या सत्वे भी एमबीए निज लक्ष्य साधन दिगरे काम करूला एक सर्भे जमापड़ी एमबीए ठू एनडीए 8% पचर अच्छी 2022 एक उपनिर्वाचन में कांग्रेस बीजेपी हाथ कसपापेट विधानसभा आसन छड़े नहीं दीर्घ 30 वर्ष धरी बीजेपी थिला दबदबा इबे अजित पवार सिंधे सरकार में सामिल होगापर एकनाथ सिंधे देवेंद्र फडणवीस अड़ुआ बढ़ी कारण अजित पवार को मुख्यमंत्री करने एक प्रकार लबी आरंभ हो अजित पवार जदि मुख्यमंत्री हूँ तेज सिंधे जो स्वप्न देखे उद्धव बेईमानी करते फसर फाटिज अल्प दिन में मुख्यमंत्री हो से संपूर्ण भाव हो पारती कोण ठेसा सेपरी देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होने इच्छा प्रकाश करुले भी से हो पारना कई दि जाऊनि एकनाथ सिंधे जदि मुख्यमंत्री हो न था तेज देवेंद्र फडणवीस ही होते मुख्यमंत्री किंतु विद्रोही गोष्ठी को नहीं एकनाथ सिंधे बीजेपी निकटे आत्मसमर्पण करने मुख्यमंत्री हेले और देवेंद्र फडणवीस आशा केवल आशा रही जाता एथर मध्य महाराष्ट्र राजनीति में घटवाक जाऊँगी समान घटना कारण अजित पवार मुख्यमंत्री होने आरंभ हो चर्चा
शरद पवार भी से मीट डाकि अजित पवार भी सब एम एल एमएलसी मीट डाकि चित्र स्पष्ट नुहे क्या सांगे के विधायक अच्छा अजित पवार भी क्लेम करुँचे संख्या गरिष्ठता अच्छा सीए रिबेल नुहे सीए पार्टी सिंबलटा भी सीए पाइबा कथा सीए भी लेजिस्लेचर पार्टी नेता हवा कथा सी भी यहाँ गोटे दाबी रखिंट जिते फ्लोर टेस्ट हम कारण ये घड़ी को घोड़ा छुटुची आउ घंटा को घंटा से चित्र परिवर्तन होबू कहटा निहाती कष्टकर हम किंतु निहाती गोटे रोचक मोड़ नहीं चीज महाराष्ट्र राजनीति आउ कांग्रेस ये निजुक केमी संभाल आई गोलिया पाणी केमी फायदा नब एजाए तो जना पड़ूनी कांग्रेस ये गोटे बहुत फायदा नेला भाया कि आग को जदि गोलिया पाणी कांग्रेस भी किसी माछ धरीपे तो हे तो कांग्रेस भी किसी फायदा हो पाए। 2019 रे अजित पवार सका सका देवेंद्र फडणवीस राजभवन पहुंची जाते एथरक से दुई प्रहर जाते से उपमुख्यमंत्री भाव सफर नहीं थे किंतु से सरकार चली मात्र 80 घंटा यापर से इस्तफा दे अजित पवार एनसीपी प्रत्यावर्तन करते देवेंद्र फडणवीस इस्तफा दे बीजेपी ही रही जाते महाराष्ट्र ड्रामा जहाँ ताहा समस्त जना सेहनशाह सिनेमार एक डायलॉग अच्छी रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं। शरद पवार जदिओ संपर्क में अजित पवार दादा किंतु महाराष्ट्र राजनीति से होती बापा तेणु आग को महाराष्ट्र राजनीतिर मोड़ क्यों दिग को गति करुची ताहा देखिबा कथा। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज नोडिया। एबे समय को छोट ब्रेक रो ब्रेक पर देखिबा बिहार हटचमट राजनीति और बीजेपी रो एजेंडा 2024। ब्रेक पर स्वागत। कुहा जाए जंगल रो सबु फूल को नष्ट करिदेबा परे भी बसंत आसीबा को केही रोकी पारंती नाही किंतु सतरे कण बसंत को रोकी पारिबो बीजेपी कारण सेमिति किछि आभास बिहार आसी महाराष्ट्र भली बिहार भी हेबो कि राजनीतिक परिवर्तन पुणी थरे एनडीए को कमबैक करिवे कि नीतीश कुमार एमिति किछि प्रश्न एबे भारतीय राजनीति रे हईचई सृष्टि करिछि आउ जदि एहा सत हुए तेबे मोदी सरकार विरोध रे युद्धंग देही डाकरा देथिबा विरोधी मेलीर स्वप्न बेलून भली फुसुकि जीवो। महाराष्ट्रर महाड्रामा परे बिहार रे पड़िबो कि यार इफेक्ट कारण एमिति किछि आभास एबे बिहार रो पानी पागरु मारी आसुछि। एनडीए को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फेरिबा नै जोरदार चर्चा गत किछि दिनर राजनैतिक उष्मता को लक्ष्य कले एभली किछि गंध बारी हेउछि। नीतीश कुमार बीजेपी सहित संपर्क छिन्न करने पर गत 10 मास मध्य केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह 5 थर बिहार गस्त कर सबुथर शाह नीतीश को करिछंती कड़ा समालोचना एपरिकी बीजेपी द्वार नीतीश को पाई सबुदिन लगी बंद बोली शाह कही किंतु जून 29 तारीख में शाह बिहार लखीसराय एक कार्यक्रम में उद्बोधन देवा समय नीतीश को नहीं दे नथिले कौनसी टिप्पणी जहाँ कुने राजनैतिक महल में जोरदार चर्चा। महाराष्ट्र में अजित पवार एंड को ना अच्छी अनेक अभियोग से बारंबार ईडी समन करी गोष्ठी बीजेपी सहित हाथ मिल तेणु आग को ईडी भूमिका कौन रहिबो ताहा एक बड़ प्रश्न। अनुरूप भाव में दुर्नीति फोकस कर बीजेपी नीतीश को पुणि थे एनडीए मेंट को फेर आने नहीं रणनीति प्रस्तुत हो 2017 बीजेपी तेजस्वी यादव विरोध में दुर्नीति अभियोग आने नीतीश कुमार महामेंट छाड़ी बीजेपी सहित मेंट करते पुणि थे खोली बिहार में रेलवाई निजुक्तिर दुर्नीति पेड़ प्रथम दुई थर मामला बंद होगा तृतीय थर पर चार्जसीट दाखल कर सीबीआई चार्जसीट्रे मोट 17 जन ना थिबा बेले प्रमुख अभियुक्तों मध्य अच्छा आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव पर 4 सदस्य
सेमाने हेले लालू प्रसाद पत्नी राबड़ी देवी पुओ तेजस्वी एवं झियो मिसा भारती। सीबीआई पक्षरु दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट रे दाखल नुआ चार्जशीटर शुणाणी जुलाई 12 रे हेबो जहाकु नै जोर धरिछि बिहार रो राजनीति। जदि आगकु तेजस्वी एही मामला रे गिरफ हुवंती तेबे नीतीश कुमार यहा परे महामेंटरु ओहरी जिबा पई बाध्य हेबे बोली चर्चा हेउछि। नीतीश कुमार निकटरे तांको विधायक मानंक सहित बैठक करिछन्। अमित शाह लखीसराई गस्त करिवारो दुई दिन पूर्वरु नीतीश तांको दलर विधायकंक सहित 1-to-1 बैठक करिथिले। नीतीश तांको दल मध्यरे एकता पई एही बैठक रे दाबी करिथिबा जणा पडिछि। तांकर हावभाव एवं एही बैठक रो परिप्रेक्षी को देखि लागुछि जे नीतीश सैन्य मध्यरे होई पारे विराट फाट। अन्यपटे पाटना रे विरोधी बैठक को नै आरजेडी संतुष्ट नाही। विरोधी बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को प्रधानमंत्री प्रार्थी कराजिबो बोली आलोचना होई। लालू एवं तेजस्वी सहजरे ग्रहण करना सेमाने नीतीश कुमार को विरोधी दलर प्रधानमंत्री चाहे कारण यह हेले तेजस्वी बिहार रो मुख्यमंत्री हेबा नहीं बाट फिटिजी। महाराष्ट्र में बड़धरण राजनैतिक ड्रामा पर बिहार रो पूर्वतन उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी एक ट्वीट कर दावी करते बिहार में मध्य समान स्थिति उपजी पारे। जेडीयू रे फाटो सृष्टि हेबार भय थिबारु नीतीश विधायक मानंक सहित पृथक भाव में आलोचना करिछन्ते। से जेडीयू सांसद एवं विधायक माने राहुल गांधी एवं तेजस्वी को ग्रहण करिपारुना दल रे विद्रोह देखा दे पारे। आरजेडी एवं जेडीयू मेंटो हेबा परे अनेक जेडीयू सांसद 2024 लोकसभा निर्वाचन रे सेमानंक टिकट हरायबा भय रहिछि। या द्वारा मध्य दल रे विद्रोह सृष्टि होइ पारे बोली से कहिछन्ते। सेभली नीतीश एने भयरे थिबा से कहिछन्ते। अन्यपटे एपरिकि यूपीए रो संयोजक भावरे नीतीश कुमार को दायित्व मिलिबा नै मध्य केबे थारु चर्चा लागी रहिछि। नै देखिए करप्शन के मामले में राज्य के उप मुख्यमंत्री पर चार्जशीट फाइल हुई है और जब लालू यादव पर चारा घोटाले में आरोप पत्र दाखिल हुआ था तो यही नीतीश कुमार ललन सिंह थे जिन्होंने इनके इस्तीफे की मांग की थी। ये बता लगा कि लालू यादव ने इस्तीफा नहीं दिया। और ये जो जमीन के बदले नौकरी का जो मामला है रेलवे की नौकरी, ये तो सारा मामला ललन सिंह का उठाया हुआ है। 2007 में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो स्वर्गीय शरद यादव ललन सिंह इन लोगों ने मिलकर ज्ञापन दिया था, दस्तावेज दिए थे और कहा था कि सीबीआई की जांच हो, लेकिन सीबीआई की जाँच हुई नहीं क्योंकि लालू उस समय रेल मंत्री थे। तो ललन जी के दस्तावेज के आधार पर कार्रवाई हो रही है कि बंद पड़ी कंपनियों पर कब्जा करो और उसके माध्यम से अवैध जमीन की खरीद फरोख्त करो, तब तो इसका जवाब आपको कोर्ट में देना पड़ेगा। तो ये बयान देने से नहीं चलेगा कि बदले की भावना से और बाकी के भावना से कार्रवाई हो रही है। इसलिए नीतीश कुमार को अविलंब तेजस्वी यादव को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए क्योंकि वो कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं करूँगा। तो आपकी परीक्षा है, आप भ्रष्टाचार से समझौता करते हैं कि नहीं करते देखना है। आप बर्खास्त कीजिए करप्शन के मामले में चार्जशीट ने तेजस्वी प्रसाद यादव। आसंता वर्ष निर्वाचन यहा पूर्वरु बीजेपी आरंभ करिछि परिवर्तन। आगोको केन्द्र मंत्रिमंडल अदल बदल हेबा रे चर्चा भी हेउछि। तृणमूल स्तर रे मध्य दल करि पारे बड़ धरणर परिवर्तन। चर्चा अनुजाई ओडिसारु मध्य केतेक नेता मोदी कैबिनेट रे स्थान पाइबा नै चर्चा हेउछि। सेहिपरि महाराष्ट्र रे महाड्रामा परे केतेक नेताकु मिलि पारे केन्द्र मंत्रिमंडल रे स्थान। आसंतु देखिबा अधिक बल गोटाऊ बीजेपी निर्वाचन पूर्वर पग भिड़ुची दल मोदी कैबिनेट रे स्थान पाइबे ओडिया नेता केन्द्र मंत्रिमंडल पड़ महाड्रामा इंपैक्ट। 2024 साधारण निर्वाचन को आउ प्राय एक वर्ष बाकी रही। पूर्वर एवठ पग भिड़ा भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र राजनीति हलचल होगापर एवं अभिमान करता मान भंजन कर दल से निर्वाचन पूर्वर मोदी शेष कैबिनेट रे मराठी नेता को सामिल करने नहीं आरंभ हो अंक कसा। आसंता लोकसभा निर्वाचन को आखिआग्रे रखी नुआ ना एंट्री करें गेरुआ दल से केतक को छुट्टी दि जाए दलय काम निजुक्ति भी कल जापे। 2021 रे मोदी मंत्रिमंडल रे अदल बदल होता से 23 जन मंत्री शपथ नहीं नुआ परिवर्तन रे कहार एंट्री हेबो आउ के आउट हेबो याकु नै आरंभ होछि चर्चा आलोचना। महाराष्ट्र नेता एथर मोदी कैबिनेट रे सामिल होई परंतु
एनसीपि सांसद प्रफुल्ल पटेल और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस केन्द्र मंत्रिमंडल में सामिल हो पारती शरद पवार हाथ छाड़ी अजित पवार सिंधे सरकार क्यांप सामिल होगा प्रफुल्ल को बीजेपी पुरस्कार स्वरूप मंत्रिमंडल में सामिल करें अवश्य ने प्रफुल्ल पटेल खंडन करु मायानगरी दिल्ली कैपिटाल प्रफुल्ल पटेल को नहीं जोरदार चर्चा सेपरि देवेंद्र फडणवीस गत थर मुख्यमंत्री होने आशावादी थे किंतु एकनाथ सिंधे मुख्यमंत्री होगापर सब आशा मौली जाता बाध्य से उपमुख्यमंत्री भाव शपथ नहीं अजित पवार आसवापर नहीं नुआ चर्चा आरंभ हो दरकार पड़े बीजेपी क्षमत रहा अजित को मुख्यमंत्री करेणु एक बड़ बिवाद मुक्ति पाइबा बीजेपी फडणवीस को कैबिनेट ललिपॉप दे पारे सेभली जो राज्यगुड़िक निर्वाचन रही राज्यगुड़ी एथर बीजेपी अधिक गुरुत्व देपे आ जो राज्यगुड़िक निर्वाचन होबार ना से राज्यगुड़िकर मंत्री मानक दल एथर विश्राम देपे 2021 मोदी कैबिनेट उत्तर प्रदेश और गुजरात को विशेष ध्यान दि जाता कारण दुई राज्य निर्वाचन तेणु गुजरात कोटारू केतक मंत्री एथर मंत्रिमंडल बाद पड़ पारती वर्तमान केन्द्र मंत्रिमंडल में गुजरात कोटारू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अमित शाह मनसुख मांडव पुरुषोत्तम रूपाला दर्शन जोरदोग देवू सिंह चौहान और महेन्द्र मुंजपरा सामिल होती मनसुख मांडव पुरुषोत्तम रूपाला और दर्शन जोगदोग मंत्रिमंडल बाद पड़ा नहीं चर्चा जोर धरी मोदी कैबिनेट केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान अश्विनी वैष्णव और विश्वेश्वर टुडुर का भी सांगठनिक दायित्व मिल पाए आदि एभली हुए तो मोदी नुआ मंत्रिमंडल स्थान पाइपारती आते जन ओडार बीजेपी सांसद जो मैंने मोदी कैबिनेट स्थान पाइबा चर्चा होती सुंदरगढ़ सांसद ज्वेल ओराम भुवनेश्वर सांसद अपराजिता षडंगी कलाहांडी सांसद बसंत पंडा और बरगढ़ सांसद सुरेश पूजारी मंत्री अच्छा केन्द्र में बर्तमान बोले कह जाए जदि अश्विनी वैष्णव को हिसाब करा जाए यदि एम जी तीन जन नुआ लोक किए आसवे एम को जो सांगठनिक दायित्व दिज्व कौन सी जगह दिज्वर तीन जन आसवे से तीन जन किए पारती कल्पना पीयूष गोयल को दल एथर विश्राम देपे आगक राजस्थान निर्वाचन रही राजस्थान सांगठनिक स्थित को मजबूत करने दल पठाईपे गत 15 दिन में से तीन थर राजस्थान गस्त कर सारी से बिहार और उत्तर प्रदेश मंत्री मानक मोदी कैबिनेट आउट होगा पड़पे बिहार और यूपी वर्तमान मोदी कैबिनेट में 20 जन मंत्री अच्छा से मध्य अश्विनी चौबे पशुपति फराज और आरके सिंह डेंजर जोन रही महेन्द्रनाथ पांडे अजय मिश्रा टेनी मंत्रिमंडल बाद पड़ पारती जदि पांडे और टेनी मंत्रिमंडल बाद पड़ती तेज स्थान उत्तर प्रदेश लक्ष्मीकांत बाजपेयी किंवा हरीश द्विवेदी को मिलपे सुजोग अंपटे बिहार एथर चिराग पासवान मोदी कैबिनेट को एंट्री मारी पारती अंता संजय जयसवाल अजय निषाद और रामकृपाल यादव को केन्द्र मंत्रिमंडल स्थान मिलपे से कर्णाटक मोदी कैबिनेट अच्छा 6 जन मंत्री से मधु निर्मला सीतारमण प्रहलाद जोशी कैबिनेट में निज स्थान सुरक्षित रखा नहीं चर्चा होती तेलंगानार जड़े और तमिलनाडु दुई जन मंत्री को एथर केन्द्र कैबिनेट में सामिल होगा नहीं चर्चा होएआईडीएमके मेंटर जन को स्थान मिलपे सोम बापुराव और धरमपुरी अरविंद ना सर्वाग्य रही सेपटे सांगठनिक स्तर अनेक परिवर्तन करी दल लोकसभा निर्वाचन और तापूर्व होगा विभिन्न राज्य में विधानसभा निर्वाचन को दृष्टि रखि प्रस्तुति आरंभ करी बीजेपी एथपाई केतक राज्यर सभापति बदल जाए तेलंगाना सभापति होती जी किशन रेड्डी से पंजाब बीजेपी सभापति होती सुनील झाकड़ आंध्रप्रदेश बीजेपी सभापति होती डी परंदेश्वरी झारखंड बीजेपी सभापति होती बाबूलाल मारांडी जो सब राज्यर सभापति बदल जागुड़ मधु केवल झारखंड को छाड़देले अगर तीन बीजेपी स्थित सेमती खास ना तेणु यह दृष्टि रखी 2024 बेस भल प्रदर्शन करने नहीं टार्गेट रखी पद्म क्या से स्वतंत्र रणनीति आपणाई दल झारखंड में बीजेपी एवं 11 जन सांसद अच्छा ये सफलता बजाय रखा को बीजेपी उद्यम करुछि तेपटे केन्द्र मंत्रिपरिषद गुरुत्वपूर्ण बैठक नहीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बैठक में विभिन्न नीति प्रसंगे आलोचना होती बैठक में किसी मंत्री से कार्यनय तथ्य उपस्थापना करने प्रधानमंत्री आलोचना कर बैठक में भित्तिभूमि और कैपिटल एक्सपेंडिचर उपर प्रेजेंटेशन दि जाता बैठक में 2047 मसीहा विजन प्रस्तुत होता कह केन्द्र सरकार लोकाभिमुखी योजना को लोकों पाखे पहुंचाइवा उपर गुरुत्व देखते पीएम मोदी चलित वर्ष शेष आड़ 5 राज्य विधानसभा और आसंता वर्ष लोकसभा निर्वाचन होगा प्रधानमंत्री गुरुत्वपूर्ण राजनैतिक बार्ता दे चर्चा हो रिपोर्ट न्यूज एक्स मीडिया।
शरद पवार कहिछंती जे 1978 रु 80 भितरे जहां घटीतिला ताकू पूर्ण थरे दोहरा जीवो जीरो रु पूर्ण थरे निज दल को छिड़ा करथिले एही डायनामिक लीडर 82 वर्ष बयसरे शरद पवार को राजनीतिक भविष्यतर मोड़ एबे कुआडे बदलिबो तांकर यागरे शिवसेना दल द्विफाळ होइगला आउ महाराष्ट्र रे महाविकास अघाडी सरकार भांगीगला आउ से किछि भी करि पारिले नाही तांकर आखि अगरे तांकर सरकार को भांगी सिंदे सरकार करागला आउ एबे सेही सिंदे सरकार रे उपमुख्यमंत्री भाबे शामिल होइछंती अजित पवार ओ तांकर केतेक सहयोगी एभळी स्थल रे सिंदे को भविष्यत कोन हेबो ताहा जेतिके गुरुत्वपूर्ण नुहे शरद पवार को भविष्यत कोन हेबो ताहा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण एजाबत गोटिए शिष्टाचार नजर आसुची शरद पवार को विरोध रे केही खोला खोली कहू नाहंती शरद पवार अजित पवार को विरोध रे खोला खोली मुह भी खोलू नाहंती भाषार एही शालीनता राजनीतिर नरम गालीचा भाबे बिछाई होई पडुची तेबे कौन से नरम गालीचा तले थिबा पसापाली रो गोटी एबे सामना को आसीबा बाकी अछि समय सरिछि आज पई स्पेशल रिपोर्ट को एइट रखुछु नमस्कार।